बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने शॉर्ट हैं और कूद में से आज इंशाल्लाह हम एक लेक्चर पढ़ते हैं जिसका नाम है वॉवल इंडिकेशन। कहाँ हमें वॉवल जरूरी लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इस बारे में कुछ मालूमात आपको दी जाती हैं। ठीक है जी, इसका मास्टर से है कि हमने जो पीछे रूल पढ़े उन्हीं की रिवीजन है और उनको जहाँ अप्लाई करना है तो वो तो वॉवल लगाएं, वरना वॉवल लगाने की जरूरत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपने लास्ट लेक्चर में से लेक्चर पढ़ा, इसके बाद अगर लफ्ज डब्ल्यू से शुरू हो, डब्ल्यू के बाद ए हो, जे हो, एम आर वॉवल या आर और हो, इनके शुरू में आप रॉयल राइट पोजिशन सेंटर का लगाते हैं। जैसे लफ्ज वेक है और लफ्ज वॉक है या वीक है या वीमेन है, इन्हें चीज वीमेन या वार या लफ्ज वेयर या लफ्ज वरी, ये पॉइंट आपने पढ़ा था। तो वहां शब्दों वेग रहता है और अगर डब्ल्यू से पहले वॉवल हो फिर तो वे लगा देते हैं क्योंकि वॉवल में कम स्पूर्ति है और ये जो सेमी सर्कल है वो मैं जो लिखा ये स्पोक नहीं होता। बाकी स्पोक के लिए जो यूज किया जाए कोई भी चीज उसको कहते हैं एब्रिवेटेड फॉर्म या मुख्तसर इलाव। वॉवल का ताल्लुक है स्पोक से। अगर हम वेग की बजाय लिखना चाहें अवेग, क्योंकि डब्ल्यू से पहले वॉवल आता है फिर हमें थोड़ा स्टोक लगाना होगा वॉवल की वजह से, लिहाजा ये होगा अवेग। अब वे स्ट्रोक पूरा लिखा गया, वे स्ट्रोक का पूरा लिखा गया, इस बात की इंडिकेशन है इससे पहले पहले वॉवल आया तो वे स्ट्रोक लगाया। इसलिए इससे पहले यहाँ पर जो वॉवल लिख रहे हैं लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कैवेयर वे यू है और कैवेयर के लिए आप पूरा स्ट्रोक लगाएंगे तो पूरा स्ट्रोक वे लिखा जाना इस बात की इंडिकेशन है कि इससे पहले वॉवल है तभी हम पूरा स्ट्रोक वे लगा पंद्रह की मुक्तों से लाभ फिर दिया करते थे। ज्यादा वे से पहले जो वॉवल आता है उसके लगाने की जरूरत नहीं है। कहते ही हमने रैथन जो पढ़े उनके एक लफ्ज़ का है, अगर प्रॉपर एच से शुरू हो तो उसके लिए साइकिल लगाते हैं, जब कैच के बाद स्टोक जा रहा हो ये शहर है। अगर आप इसको एच लिखना चाहें तो पूरा स्टोक लगाएंगे क्योंकि वॉवल एच से पहले आ रहा है, अगर एच से पहले वॉवल पूरा स्टोक लगाया जाता है। लिहाजा एच के मामले में क्योंकि पहले वॉवल आ रहा है पूरा स्टोक लगाएंगे, लिहाजा वॉवल लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एच का है तो एच में भी हमें क्योंकि पूरा स्टोक लिखा इसलिए गया तो वॉवल पहले आता है, लिहाजा इससे पहले आने वाला वॉवल लगाने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ रूल की एप्लीकेशन होती है वहाँ वॉवल लगा के वक्त तैयार नहीं किया जाता। इसी तरह से आगे चलते हैं, तो आपने लफ्ज़ पढ़ा टेन, टेन में आप देखा कि लफ्ज़ टेन में खत्म होता है और एन के लिए हुक के तवा किया जाता है। अगर हम टेन लिखना चाहें तो वॉवल का तल तो लोग होते हैं क्योंकि एन के बाद वॉवल है, तो वॉवल जब एन के बाद आए तो एन स्ट्रोक लिखा जाता है इसकी एन हुक यूज नहीं की जाती। ज्यादा पहली के लिए एन न लगाए और फिर स्ट्रोक लिखने की वजह से वॉवल लगाने का जरूरत नहीं। सचे थे जी मैनी लिखेंगे तो मैनी में भी पूरा स्ट्रोक लगाएंगे, इसमें भी एन के बाद वॉवल आता है क्योंकि पूरा स्ट्रोक की वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। पप पप हम ऐसे लिखते हैं, एफ के साथ पपी लिखेंगे क्योंकि आपके पास वॉवल लगता है, लिहाजा एफ को लिखा गया, लिहाजा वॉवल लगाने की यहाँ भी जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे होगा कि रूल की एप्लीकेशन हो रही है, अगर डेफाई हो तो तभी क्योंकि वॉवल बाद में आ रहा है इसलिए एफ पूरा टूक लीजिए या वॉवल लगाने की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ते गए और के ऊपर लिखे, आगे आपने लिखा वायल, वायल यू होता है ओके। अगर अवायल हो तो चूंकि डब्ल्यू और हे की आवाज से पहले वॉवल आता है, वॉवल जब है तो
फिर हम उसको वे के ऊपर आगे लिखते हैं, लिहाजा यहाँ वावल लगाने की जो डब्ल्यू है की आवाज से पहले वावल आ रहे हैं उस वावल के लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका रहते है खत्म होता है वावल इंडिकेशन, जितने जहाँ जरूरत है वहाँ वावल लगाए, जहाँ रूट की एप्लीकेशन होती है वावल नहीं लगाना चाहिए बगैर वावल की ऑर्डर। Thank you very much.